जो सिकंदरा राव ट्रॉमा सेंटर है वहां पर हमारे सहयोगी पंकज मौजूद हैं और पंकज खुद अपनी आंखों के सामने इतने शव वहां पर देख पा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त ही नहीं हुई है, जो वहां अपनों के इंतजार में पड़े हुए हैं, और साथ ही कुछ रोते बिलखते अपने भी हैं जो अपनों को तलाश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जिंदा ही मिले, कहीं शव के तौर पर शिनाख्त ना करनी पड़े। मैं सीधे खास मेहमानों का रुख करूंगी और मैं पहले विक्रम सिंह सर का रुख करती हूं और उन्हीं से समझने की कोशिश करती हूं। सर, ये जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है ना कि साहब आयोजक जो हैं उन्होंने परमिशन ली थी और अंदर आयोजन स्थल पर जिम्मेदारी व्यवस्था बनाए रखने की उनकी थी, हमारी जिम्मेदारी तो बस बाहर बाहर आयोजन स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने की थी, ये दलील गले उतर सकती है क्या? भयानक प्रशासनिक चूक रुमाना जी, इससे बड़ी चूक मैंने कभी सुनी नहीं। आयोजकों ने दरखास्त दी थी कि हम अनगिनत, ये अनगिनत कौन सा क्या दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, और उनको चाहिए था कितने लोग आ रहे हैं उसके समकक्ष, उसके अनुपात में उनको पुलिस व्यवस्था जिसमें महिला पुलिस, होमगार्ड, पुरुष पुलिसकर्मी और तमाम तरह के अन्य व्यवस्था, प्लेन क्लोज ड्यूटी लगानी चाहिए थी और अंदर की व्यवस्था सेवादार करेंगे। सेवादार ही ने सारा गड़बड़ वहां कर दिया। पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन की थी, नहीं हुई। इसमें एक स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाता है, नहीं दिया गया। जो खर्चा होता है पुलिस बल का वो उनसे वसूला जाता है, नहीं लिया गया। और इन महाराज जी के क्रिमिनल एंटीसीडेंट से इनके ऊपर 5-6 मुकदमे हैं जिसमें यौन शोषण का भी है। कम से कम जब वेरिफिकेशन होता है तो ये भी चेक किया जाता है कि आपका कोई आपराधिक इतिहास है। अगर आपराधिक इतिहास है तो पहले ही डिनाई कर देना चाहिए था। आपराधिक इतिहास था वो भी यौन शोषण ऐसे मामलों का, तो ऐसे बाबा को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी। उसके अलावा प्रशासन की जिम्मेदारी थी एम्बुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर, फर्स्ट एड, जल की व्यवस्था, एग्जिट एंट्री एसओपी, कहीं रुमाना जी कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल फ्री फॉर ऑल छोड़ दिया और परिणाम आपके सामने है। और आपने अच्छा मशवरा दिया कि लाशों की फोटो कदापि ना दिखाएं और ऐसे जो लाश भी हैं उनकी लज्जा का ध्यान रखें तभी फोटो आदि प्रसारित करें। धन्यवाद सर। आपने जो कहा ना यहाँ पर कि साहब फर्स्ट एड, ग्रीन कॉरिडोर और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनको तैनात किया जाना चाहिए था, महिला फोर्स को यहाँ पर तैनात किया जाना चाहिए था, यहाँ तो सब कुछ नदारद था। यशवर्धन सर, ये जो चूक नजर आई है इसमें देखिए खबर ये सामने निकल कर आई कि सीएमओ की तरफ से, जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां से ये जानकारी दे दी गई है कि साहब आप एफआईआर दर्ज करिए बाबा के खिलाफ भी और आयोजकों के खिलाफ भी। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि क्या स्थानीय प्रशासन उसको जवाबदेही और जिम्मेदारी उसकी तय नहीं की जानी चाहिए इस मामले में? मैं यशवर्धन सर आपके पास आऊंगी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आ रही है इसी मुद्दे पर। सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। राहुल गांधी ने कहा है कि मृतकों के परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं, घायलों के साथ उनकी संवेदनाएं वो व्यक्त कर रहे थे। जी यशवर्धन जी, देखिए इसमें सबसे ज्यादा गलती सत्संग कराने वालों की है। आप जितने ये बाबा हैं और जिनके ये बड़े बड़े आश्रम हैं, ये उनकी पूरी तरह से जिम्मेवारी है कि ये सारे अंदर की व्यवस्था और बाहर की व्यवस्था देखें। पुलिस का काम ये है, शासन का इंतज़ाम ये है कि रोड पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है और बाकी की व्यवस्था है उसको देखें। ये बात सही है कि जैसे खबर आती है किसी हादसे के बारे में उसमें तत्काल एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी सारी ताकत लेके वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। शुरुआत में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब वो बाबा या जो भी हैं जा रहे थे, जिनके बारे में अच्छी तारीफ की हमारे सीनियर कोलीग विक्रम सिंह जी ने, वो जब जा रहे, सेवादारों ने इस भीड़ को रोका और कहा पहले बाबा निकलेंगे और उसके बाद ये भगदड़ मची है। जितनी भी ऐसी व्यवस्था होती है इसमें सब जगह सेवादार ही लगते हैं जो कि पूरी व्यवस्था की निगरानी करते हैं जी। और इसलिए मैं समझता हूं इसमें सबसे ज्यादा गलती इनकी है और प्रशासन की यह गलती है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं बाबा और आयोजकों पर एफआईआर दर्ज हो। और इस बीच बड़ी खबर जरा जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, ये जो हाथरस में हादसा हुआ है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बात की, यूपी सरकार हर संभव मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी इस हादसे के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दी है।